चलो आवाज आ रही है ना। हाँ चलो ठीक है। तुम हम लोग को एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ना था ठीक ना। और अपना अपना पहले माइक ऑफ कर लो यार, दिक्कत होता है, समझा करो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ना था। क्यों पढ़ना था? क्योंकि हम लोग को एक स्टेटमेंट उस दिन पढ़े थे तुम लोग, कि जितने स्टेट फंक्शन होते हैं या फिर जितने भी स्टेट फंक्शन को हमने एक और क्या नाम दिया था, जितने पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो सभी के सभी क्या। अरे माइक ऑफ करो सत्यम पांडे। अरे भाई तुमको हमेशा समझाना पड़ता है, इसीलिए नहीं ऐड कर रहे थे उसको और तुमको। चलो इधर देखो, स्टेट फंक्शन हो या फिर पॉइंट फंक्शन हो, मतलब दोनों बातें एक ही है ठीक ना। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते थे कि अगर ऐसा है तो वो क्या होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होंगे। क्या होंगे वो, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन वाली कंडीशन को होल्ड करेंगे ठीक ना। तो अब उसको देखो क्या है, उसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है। वेल ये है नहीं हमारे यहाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे तो एक जगह पढ़ाएंगे, पंकज सर या फिर जैसे भी पढ़ो तुम लोग पढ़ाएंगे वो लोग ठीक ना। तो वहाँ पे जैसे हीट और वर्क को बताया जाता है कि ये पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है ठीक ना। तो क्वेश्चन बच्चा पूछता है ना कि कैसे, तो वो लोग बस बोल देते लोग कि भैया एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है। तो वही हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है, कैसे निकालें इसको ठीक ना। तो देखो क्या है, उसके पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैंने रिवीजन करने के लिए बोला था, सभी लोग कर चुके हो बताना। पार्शियल डिफरेंशिएशन का रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब अगर कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इंटू एक्स, और इसको अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, कोई एक फंक्शन था मान लो ये ठीक ना, और अगर इस वाई बराबर या फिर जेड बराबर कुछ ऐसा था और तुमसे पूछ दिया है कि डी जेड ओवर डी एक्स कर लिए, जेड ओवर कर लिए एक्स निकाल दीजिए, तो ये वाला चीज़ तो सबको आता है ठीक ना। मैंने एक चीज़ बताया था कि डेरिवेशन वाला हिस्सा एक बार ही देख करके आना, डेरिवेशन वाला हिस्सा क्यों, ये तो आसानी से निकाल लोगे भैया इसमें। अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन पता भी नहीं होगा तो ध्यान से सुन लो, फर्स्ट ईयर वाले लोग नहीं पढ़े हमको जहाँ तक लग रहा है ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था कि जिसको जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है अपने फंक्शन को, उसको तो ऐसा सच रखेंगे, लेकिन अदर वेरिएबल्स जो है, जैसे कि ध्यान से देखो कोई भी एक इक्वेशन लिखी रहती है ना, उस इक्वेशन में हम लोगों को मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जब जाते हो तो वहां पे तुमको दो दो प्रकार के वेरिएबल्स मिलते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट ठीक ना। चर बोलते हैं वेरिएबल्स को हिंदी में ठीक ना। तो अगर यूपी बोर्ड का है तो कोई कंफ्यूज मत होना, हम लोग चर की बात कर रहे हैं ठीक ना, वेरिएबल्स जो बोलते हो तुम लोग। तो अब ध्यान से देखो, तो ये जेड जो है ना ये हाँ ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक ना, और ये वाली जो चीजें हैं ना ये यहाँ पे इतना जो ब्रैकेट में है तुम लोगों के, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा क्यों है? अरे सुनाई दे रहा है क्या सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो, ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कैसे भी बदल सकता है ठीक ना, इसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन जेड की डिपेंडेंसी इनके ऊपर है। ये जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे जेड बदलेगा ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था कि अगर हम लोगों को इस फंक्शन का, जैसे ये जो गिवन फंक्शन है या फिर जो क्वेश्चन के टर्म्स में अगर पढ़ो, तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे हम लोग को इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना रहता था तो क्या करते थे हम लोग, अगर मान लो इसका कर्ली जेड ओवर कर्ली एक्स निकालना है तो यहाँ पे सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ कि इसको देखो डिफरेंशिएट करते टाइम जो दो वेरिएबल्स है ना, तो जिसके रिस्पेक्ट में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको हम लोग जैसा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन किया जाता था वैसा ही करेंगे, लेकिन उसके साथ लगे हुए जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हमारे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे उसको हम लोग कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। उसको क्या मान लेते हैं? कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। इसको और आसान करने के लिए ना इसको यहाँ से मिटा दो, अच्छे से समझ जाओगे। एक छोटा सा बस मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x टाइम्स वाई प्लस ऑफ 0। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं अगर उस वेरिएबल को छोड़ करके जितने भी अदर वेरिएबल्स हैं उन सभी को क्या मान लोगे, कांस्टेंट मान लोगे। कांस्टेंट मान लोगे तो ये कांस्टेंट है, वाई कहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे वाई ऐसा सच रह गया, लेकिन यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और याद करो अगर जब डिफरेंशिएशन उसके ऊपर इंप्लीमेंट करोगे फर्दर तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एज अ कॉन्स्टेंट मान रखा और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता है, जीरो हुआ करता है, तो इसलिए ये वाला टर्म जीरो होता है। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो लगाते हो तुम लोग उसका मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे सॉल्व कर लिए। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने बोला था डेरिवेशन वाला हिस्सा एक बार पढ़ के आइएगा, डेरिवेशन वाला हिस्सा पढ़ के क्यों आइएगा और क्या होता है, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बता देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन है एफ ठीक ना, कि नहीं दो वेरिएबल्स पे उसकी डिपेंडेंसी है ठीक ना। तो अगर इसका तुम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो तो
एक इसका प्रॉपर वे होता है निकालने का। अच्छा ये बताता क्या है, पहली बात तो ये जान लो। कल वैसे मैंने एक छोटा सा डिस्कशन करा था लाइव शाम को जब हम क्लास दिए थे तो एक बार बता दिए थे, वैसे एक बार और बता दिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको ये बताता है कि मेरे पास कोई एक फंक्शन हो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स वाला, ठीक ना। अच्छा सिंगल वेरिएबल वाले क्या होते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालिए या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करिए, बात बराबर होती है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। दो या दो से अधिक जब वेरिएबल्स रहते हैं तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है ये देखिए, ये बताता क्या है हमको, ये बताता है पार्शियल डिफरेंशिएशन कि यहां पे ध्यान से देखिए, एक्स में वेरिएशन हो रहा है, मतलब चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई दोनों हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन यहां पे होता क्या है, एक्स में चेंज आने के कारण एफ पे क्या चेंजेस आएंगे और वाई में चेंजेस आने के कारण एफ में क्या चेंजेस आएंगे, इन दोनों को हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे जैसे मान लो अगर तुमको एक्स में कोई चेंज आ रहा है, माने कि कितना अमाउंट का चेंज आ रहा है, डेल्टा एक्स अमाउंट का चेंज आ रहा है, तो पहले तुम्हारा फंक्शन कितना था, इनिशियली फंक्शन तुम्हारा कैसा सा था भैया, एफ था। तो फाइनली जब चेंज होगा, ठीक ना, डेल्टा एक्स अमाउंट का जो चेंज आया है खाली एक्स में, पार्शियल में यही थोड़ी गड़बड़ी है, पार्शियल में हम लोग एक टाइम पे एक ही वाले की चर्चा कर पा रहे हैं, ठीक ना। फिर जब दूसरे वाले एक्सिस पे अगर हमको चर्चा करनी रहेगी, जैसे मान लो ये तो एक्स एक्सिस में चेंज आया, तो अब यहाँ पे पार्शियल में करोगे क्या, तो फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्लस डेल्टा एफ। और यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन का जो चर्चा कर रहा हो ना, यहाँ पे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे वाई को एकदम इग्नोर कर दिया जाएगा, अगर एक्स के रिस्पेक्ट वाला चर्चा करो तो। यहाँ पे सिंपली पार्शियल डिफरेंशिएशन करते टाइम क्या लिख दोगे, कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स लिख करके तुमने सॉल्व कर दिया चीजों को, ठीक ना, कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा करते थे, सेम कहानी यहाँ पे, ठीक ना, कि कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई कर दोगे कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट। दिक्कत तब आती है जब हम लोगों को साइमल्टेनियस स्टडी करनी पड़े, मतलब वाई और एक्स में साथ ही साथ चेंजेस आ रहे हो, ठीक ना। यहीं पे कल बताए थे हम, तो यहाँ पर डाउट में थे कही जानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कि ये क्या बोल रहे हैं साइमल्टेनियस चेंज, क्या बता रहे हैं कि दोनों में एक ही साथ बदलाव आने लगे, तो उसके लिए टोटल डिफरेंशियल निकालने पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बोलना नहीं चाहिएगा, क्वाड्रिलेटरल बोल दे, कुछ भी बोल दे, ठीक ना। और अब यहां पे क्या है तुम्हारा, ये वाली एक्सिस को मैंने माना एक्स, इधर के वाले को मैंने माना वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम लोग एक समय पे एक ही एक्सिस वाले की चर्चा कर पाते हैं, ठीक ना, कि अगर बस अगर तुमको पार्शियल डिफरेंशिएशन अलॉन्ग एक्स वाले की चर्चा करो और कोई फंक्शन है ये, ठीक ना, एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो ग्राफ ऑफ बनाया हो, तो हम लोग अगर कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स की चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग वाई को ध्यान से देखो, बस एक्स में वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वाई हर समय क्या है, कांस्टेंट है, वाई की वैल्यू हर समय क्या है, जी, मतलब एक बात बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ से शुरू हुआ रहता है तो वाई की वैल्यू हर बारी वन कॉन्स्टेंट थी, लेकिन एक्स की वैल्यूज में चेंजेस आ रहे थे। अच्छा फिर कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई निकालो तो ध्यान से देखो, तो उसके बाद ही खाली इस वाली लाइन पे चर्चा करोगे, इस वाली लाइन को छोड़ते हुए चल रहे थे, टोटल डिफरेंशियल। अब यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, गड़बड़ी वही हुई कि अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा फंक्शन मिल गया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम में तुम फंस गए जहाँ पे एक्स और वाई में साथ ही साथ चेंज आ रहा हो। यहाँ पे कैसे चेंज आ रहा था, पहले एक्स में पकड़ के खींचे फिर वाई में पकड़ के खींचे, अब क्या हुआ तुम्हारे पास प्रॉब्लम कुछ ऐसा सा है कि तुमने ये कॉर्नर पकड़ा, समझा रहा हूँ कि साइमल्टेनियस चेंजेस एक्स एंड वाई एट अ टाइम अगर हो, मतलब एक ही समय पर एक्स भी बदले वाई भी बदले, उसका क्या मतलब, तो अगर मैं अगर इसी कॉर्नर को पकड़ करके खींचूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कॉर्नर को पकड़ करके खींचूं तो क्या एक ही समय पे एक्स में भी बदलाव आएगा और वाई में भी बदलाव आएगा, अरे बताना। मैंने क्या करा, इस कॉर्नर को पकड़े और इस कॉर्नर को पकड़ करके अगर इधर की तरफ खींचोगे तो क्या एक्स में भी वेरिएशन आएंगे और वाई में भी वेरिएशन आएंगे, अरे बोलो ये बात समझ पा रहे हो, बताना। तो इसीलिए क्या हुआ, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, ठीक ना, या फिर ऐसे बोलो डिफरेंशिएशन का एक नया रूप हम लोग निकाल के ले आए, टोटल डिफरेंशियल, जो कि अच्छा यहाँ पे कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स ये बताता कि था कि पार्शियल में कि एफ में कितना चेंज आएगा अगर एक्स एक्सिस में चेंज आए कीपिंग वाई एक्सिस कांस्टेंट, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ था कि तुम्हारे फंक्शन एफ में कितना चेंज आएगा अगर वाई में थोड़ा सा वाई में चेंजेस लाने से कीपिंग एक्स कांस्टेंट, ठीक ना। अब टोटल डिफरेंशियल क्या बताता है, ये टोटल चेंज के बारे में बताता है, ठीक ना, टोटल चेंज कितना, यहां पे इसीलिए इसका नाम पार्शियल दिया गया है, ठीक ना। टोटल का मतलब क्या हुआ कि मेरे फंक्शन में टोटल चेंज कितना आएगा अगर मैं क्या करूं एक्स और वाई की साइमल्टेनियस चेंजेस को अगर ध्यान में रखूं, मतलब एक ही समय पे एक्स और वाई में जो चेंजेस आ रहे हैं उन दोनों को अगर मैं ध्यान में रखते हुए चलूं तो
टोटल चेंज एफ में कितना आएगा उसके बारे में कौन बताता है हम लोगों को? टोटल डिफरेंशियल बताता है। अच्छा क्यों बता रहे हैं ये बात, मैं कल का बता चुका हूं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की स्टार्ट होती है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगी तुम लोगों को ना, उसी इक्वेशन को हम लोग एग्जैक्ट बोलेंगे, लेकिन दो कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक ना, बोलो यहां तक की बात सभी को समझ में आई है? अरे बोलो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डेरिवेशन वाला हिस्सा क्यों बोले थे कि आता कहाँ से है, वो याद रखिएगा। तो आता वो याद रखना जरूरी इसलिए, अगर तुम लोगों को याद होगा तो याद करो, पार्शियल डिफरेंशियल को मैंने तुम लोगों को समझा रखा था कि कैसे उसको लिखते थे, ऐसा सब कुछ हुआ करता था। लिमिट, अगर मैं एक्स एक्सिस वाले की चर्चा करूँ, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डी एफ या फिर डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स बराबर कितना हुआ करता था, किसी को याद है बताना जरा? ये हुआ करता था, हाँ सॉरी देखो यहाँ पे छूट रहा है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। और भी कुछ हुआ करता था बताना? और भी कुछ हुआ करता था? नहीं हुआ करता था, बहुत बढ़िया। तो ये तो भैया, और इसी को हमने एक और रूप दे रखा था, इसको हम लोग किसी और तरीके से लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? ऐसे लिख सकते थे, कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स। ध्यान से देखिए, मेरा फंक्शन अभी भी वही है, डबल वेरिएबल्स वाला, ठीक ना, सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं है मेरा, मल्टीपल वेरिएबल फंक्शन, या फिर ऐसे बोलो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। मैंने अभी दो के लिए लेकर के सॉल्व करते हैं, आसानी रहती है समझने में, ठीक ना। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन टर्म तुम लोग देख रहे हो, उसको एक ए भी रूप है लिखने का, दूसरा रूप कौन सा है? दूसरा रूप है एफ एक्स लिखने का, और सबसे सही रूप कौन सा है लिखने का? कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट। जैसे मान लो यहाँ पे तो तुम्हारे पास दो ई वेरिएबल्स हैं, तो निश्चित एक के लिए करो तो दूसरा वाला पक्का तुमको पता रहेगा कि दूसरा वाला कॉन्स्टेंट रखेगा। अगर दो से ज्यादा रहे तब तुमको ये वाला नोटेशन यूज करने में मतलब सहूलियत है, मतलब पता चल जाता है कि हाँ भैया कि इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो वो दोनों कांस्टेंट है। और आमतौर पे पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ो तो तुमको तुम्हारे दिमाग में ये बात होगी कि अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो और सभी को कांस्टेंट लेकर के चला होगा। तो इसीलिए इन जनरल यही वाला यूज किया जाता है, ज्यादा प्रॉपर ये है, और इन कहीं कहीं तुम लोगों को ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे कहीं ऐसा वाला खेल मत खेल दीजिएगा, ठीक ना। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में यूज करते थे हम लोग, ये पार्शियल के लिए है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको इसी वाले का काम है, इसी इक्वेशन का। तो याद रखिएगा ये तीन चार नोटेशंस हैं इसके। तो एक ये बात समझ में आई कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? अरे बताना बोलो कैसे, और डेरिवेशन का ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला, ठीक ना। ये फॉर्मूले के टर्म्स में अगर बोलूं तो इसको याद रखना। और अभी देखो इसी का यूज है हमको, बहुत भयंकर वाला अभी काम आएगा। क्या यूज है ये याद रखिएगा, x प्लस डेल्टा x। देखो अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन की कहानी थी तो ध्यान से देखिए चेंजेस किस में आ रहे हैं, y। देखो यहाँ पे भी कॉमा y लिख रखा है, यहाँ पे भी कॉमा y लिख रहा है, चेंजेस किस में है? खाली x में है। चेंजेस किस में है? खाली x में। अच्छा y वाला भी लिख करके कोई बताए, y वाला कोई बताओ, वहां कैसे लिखोगे? लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू जीरो डेल्टा f ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू जीरो। यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स विल रिमेन एज सच, ठीक, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, और ये ब्रैकेट ऐसा क्लोज कर दिया। अरे बताओ यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे एक्स यहां पे जैसा है वैसा ही एक्स यहां पे, वेरिएशंस किस में है? वाई में है। वेरिएशंस किस में है? खाली y में है, ठीक ना। यहाँ पे देखो अगर ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर y की वैल्यू 10 थी और डेल्टा y की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे चेंजेस की, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 है, और x की वैल्यू अगर 15 थी तो देखो यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15। एक समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। अब देखो टोटल डिफरेंशियल में ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। अभी आएगा आगे, और एक जगह आदमी फंस जाता है, ठीक ना। ये वाली चीज अगर कहाँ पे, अच्छा ये वाला, सॉरी ये ऐसा रहेगा, ठीक ना। तो ये वाली चीज अभी आगे चल के ना टोटल में फंसोगे, तो इसीलिए मैंने अभी बता दिया कि ध्यान से देखिएगा, आपको चेंजेस देखने रहते हैं, ठीक ना, कि तुम्हारे जो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन दोनों में बदलाव किस कौन सा। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ऐसा लिखोगे, अगर वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो ऐसा लिखोगे, एक्स वाली चीज कॉन्स्टेंट रहेगी और यहाँ पे वाई वाली चीज कॉन्स्टेंट रही। बोलो यहां तक की कहानी अच्छे से समझ में आई है? बताइएगा
ये सारी चीज तो पता है तुम लोगों को बहुत अच्छा। अब हेडिंग जमाइए टोटल डिफरेंशियल या फिर टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ईयर वाले ना एड नोट्स सेंड कर देना, जो मैंने एक क्लास लिया था तुम लोगों का पार्शियल वाला, ताकि सेकंड ईयर में भेज सकूं, ठीक ना। वहां पे मैंने मतलब उन सबके पास भी रहेगा तो आसानी रहेगी उन सबको आगे समझने में, ठीक ना। कौनो जानी भेज देना। तो हेडिंग जमाइए टोटल डिफरेंशिएशन या फिर टोटल डिफरेंशियल। टोटल डिफरेंशियल, टोटल डिफरेंशियल, चल इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है वो मैं बता दे रहा हूं तुम लोगों को, तो आसान हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी। चल ध्यान से देखो, फिर से सारी कहानी वही है, ठीक ना। क्या कि कोई मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक ना, और ये फंक्शन कैसा है, दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक, एक्स वाई पे। और हुआ क्या कि अब की बारी क्या करना पड़ेगा, पिछली बारी क्या कर रहे थे, एक्स में चेंज ला रहे थे, वाई को कांस्टेंट रख रहे थे, वाई में चेंज ला रहे थे, एक्स को कांस्टेंट रख रहे थे। टोटल के लिए टोटल क्यों पढ़ना पड़ा, कि अगर साइमल्टेनियस चेंज आए, दोनों में एक ही साथ अगर चेंज आए, तो इसलिए टोटल पढ़ना पड़ा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों क्या लेकर के चलना पड़ेगा, हम लोग को साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। यानी कि इसको कैसे लिखोगे, इसको कुछ ऐसे लिखोगे, इफ इफ चेंज इन एक्स एंड वाई एक्सिस आर साइमल्टेनियस, आर साइमल्टेनियस and is by an amount of delta x and delta y, then f changes to f plus delta f, and it is given by, अच्छा कैसे इसको लिखोगे ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखोगे, f प्लस डेल्टा f, ये किसके बराबर हो जाएगा बताना। क्या यहाँ पे ध्यान से देखो, x में भी डेल्टा x अमाउंट का चेंज आ रहा है और y में भी डेल्टा x अमाउंट का चेंज आ रहा है, अरे बताना। तो ये वाले इक्वेशन कैसे लिखोगे तुम लोग, तो f प्लस डेल्टा f किसका फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y का। अरे बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई, बताना। अब यहां से क्या करते थे, याद करो जब मैंने डेरिवेशन कराया था पार्शियल का, तो वहां पे क्या करे थे, डेल्टा एफ को अकेला कर दिया था, क्या कर दिया था, डेल्टा एफ को अकेला कर दिया था और इस वाले एफ को उधर भेज दिए थे। तो अच्छा, एफ की जगह पे मेरे पास क्या है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस, अच्छा ये इधर गया रहा होगा तो क्या माइनस में गया रहा होगा, तो इधर मैं माइनस एफ लिखने की जगह क्या इतना लिख सकता हूं, f फंक्शन ऑफ x x कॉमा वाई, बताना। चलो अब ध्यान से देखो, ये यहां तक की कहानी याद रखिएगा, ठीक ना। अब यहां पे तुमको एक गणित का खेल खेलना पड़ेगा, वही वाला जैसे पढ़े होगे ना कि राइट हैंड साइड में, या फिर ऐसा पढ़ा होगा कि वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए बात बराबर है, या फिर वन को ऐड भी कर दीजिए, वन को सब्ट्रैक्ट भी कर दीजिए बात बराबर है, किसी भी चीज़ को जरूरी थोड़े कोई कांस्टेंट ही ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट, अगर ऐड कर रहे हैं साथ ही साथ तो सब्ट्रैक्ट भी कर दे, तो ये मेरा फंक्शन एज सच बना रहेगा। तो वैसा ही कुछ चीज करेंगे यहाँ पे, लिखोगे क्या, अच्छा अच्छा लिखो लिखो लिखो, अच्छा लिखो जल्दी लिखो। अच्छा एक बात बताओ, कहां से कहां तक का बोर्ड दिख रहा है, ये यहां का हिस्सा दिख रहा है क्या, मेरी उंगली दिख रही है यहां पे, चलो बहुत बढ़िया, ये वाली लाइन, चलो बहुत बढ़िया। और इधर का बताना जरा, इधर का कहां तक, यहां तक का दिख रहा है क्या, अरे यूट्यूब वाले में दिखता है, तुम लोगों वाले में दिक्कत होता रहता है, बताना थोड़ा सा इधर, ठीक है ये वाली लाइन दिख रही है, चलो बहुत बढ़िया। तब है जल्दी लिखो तो आगे बताएं, हो गया चलो बहुत बढ़िया, इसको मिटाते हैं। अब ध्यान से देखो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है भाई, नीचे वाला लाइन लिख लो। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग, एक फंक्शन है तो उसको तुम लोग को सब्ट्रैक्ट भी करना है और एड भी करना है, ठीक ना, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग
एडिंग एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई. अच्छा, इसको कोई एक इक्वेशन मान लीजिए ऑन दी आर एच एस, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. किस कहां पे करना है, इसी को, इस वाले जो टर्म, ये जो फंक्शन वाला जो हिस्सा लिखा हुआ है, इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे कहां पे, आरएचएस वाले टर्म्स में. ठीक ना, किसके, इक्वेशन नंबर वन के. तो ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताना जरा. डेल्टा एफ बराबर हो जाएगा तुम लोग का एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और क्या हो जाएगा बताइएगा, माइनस एफ सब्ट्रैक्टिंग एंड माइनस एफ वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस प्लस एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस माइनस एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा वाई. ये हुआ तुम लोगों का एक बड़ा सा इक्वेशन, दिखाई पड़ रहा है क्या? अरे बोलो, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? अब तुम लोग क्या करोगे, अब ध्यान से देखो, अब कुछ करना नहीं है. यहां पे क्या करेंगे, इस वाले को एक ब्रैकेट में लो और इस वाले को एक ब्रैकेट में लो, और जब जैसे ही ब्रैकेट में लोगे, ब्रैकेट में लेने के बाद, चलो बता देते हैं, ऐसा कुछ करो, इसको एक ब्रैकेट में लिखिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई. अच्छा, अब एक बात बताना, जरा ध्यान से सुनना, ठीक ना, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ वैसा ही इक्वेशन धीरे धीरे मिल रहा है ना हम लोग को. यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखिए, एक्स में चेंजेस आ रहे हैं ना, एक्स में चेंजेस आ रहे हैं क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा था उससे तो नहीं तुलना करो, एक्स में चेंजेस आ रहे हैं क्या? एक्स प्लस डेल्टा एक्स से एक्स में गया. लेकिन ध्यान से देखो, ये तो अगर वही, इसीलिए मैंने वहां पे एग्जांपल लिया था, क्या अभी भी ये 15 है, यहाँ पे भी 15 है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस आ गए हैं? अरे बोलो, तो क्या करूं कि मुझे क्या मिल जाए, कुछ ऐसी सी एक चीज मिल जाए, क्या मिल जाए, कुछ ऐसी सी एक चीज मिल जाए. क्या मैं इसमें डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूं और डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ब्रैकेट में मैं क्या कुछ ऐसा सा कर सकता हूं क्या, बताना बताना, क्या ब्रैकेट के अंदर जो वाली चीज है वो कुछ यही लिखी हुई है क्या, कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट? अरे बोलो, और ध्यान से देखो, ध्यान से, और क्या ये वाले चीज मैथमेटिक्स में अलाउड है? अरे बोलिए, गणित अलाउ करता है यार, हमको बहुत ज्यादा गणित नहीं आता है, फिजिक्स वाली चीज पता है हमको, ठीक ना. तो ध्यान से देखिए, ये अलाउड है. अब क्या करेंगे, प्लस, अब यहां पे भी क्या वैसे ही चीज दिखाई पड़ी है, देखिए एक्स यहां पे भी ऐसा है, एक्स यहां पे भी ऐसा है, ठीक, चेंजेस किस में आ रहे हैं, वाई में. तो यहां पे क्या कर दूं कि क्या मिल जाए हमको, वहां पे कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई मिल जाए, कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट. अरे बताना, तो वहां पे क्या करेंगे, डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई और डेल्टा वाई से डिवाइड. अरे बताना, यहां तक की कहानी क्लियर हुई? बहुत बढ़िया. अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या करोगे, प्लस, इसको ऐसे ही रखो, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई. अरे बोलो, ये कहानी सभी को क्लियर है? बताइएगा, यहां तक का तो सबको समझ में आया होगा. अब देखो, अब याद करो, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो क्या बोला था तुमने, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों को इन सभी को छोटे छोटे में df के फॉर्म में, इसको dx के फॉर्म में, इसको dy के फॉर्म में बदलना था. तो हम लोग क्या किए थे, बोले थे कि इफ द चेंज इन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज इनफिनिटेसिमल स्मॉल सच दैट क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स कॉमा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई एंड डेल्टा एफ इज इक्वल टू कितना, डी एफ. और ये कब होता था, एक बात बताइए, ये चीज कब लिख सकते हैं, ये कब होता है, when डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो. अरे बताना,
ये वाली कहानी क्लियर, इसीलिए मैंने बोला था कि डेरिवेशन वाला हिस्सा पढ़ के आए रहते ना तो और आसान, मतलब आसानी से और समझ में आ जाता, और जिन्होंने नहीं पढ़ा ना तो इसीलिए मैंने पहले पार्शियल वाली चीज बता दी, और यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिख रखी थी ना पार्शियल के लिए, ध्यान से देखो उसी का काम था, नहीं तो यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, करली एफ ओवर करली वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट ये तो दिखाई पड़ता है, लेकिन आदमी इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। तो याद रखना इस वाले में कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई है और यहाँ पे भी y प्लस डेल्टा वाई है, तो यहाँ पे कुछ प्रकार के y में चेंजेस नहीं है, चेंजेस जो भी ऑकर कर रहे किस में ऑकर कर रहे थे, x में ऑकर कर रहे थे। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इसी इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा सा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, df बराबर, अच्छा इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताना, इसकी जगह पे मैं क्या इतना लिख सकता हूँ, करली एफ ओवर करली एक्स, अरे बोलो, और यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dx, अरे बोलो आवाज जा रही है ना, चलो, और इसको क्या लिख सकता हूं, करली f ओवर करली y इंटू dy, और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल। तो इसको इक्वेशन नंबर टू मान लीजिएगा, और उसके पहले यहां पे प्रॉपर नोटेशन क्या है भैया बता दीजिएगा, यहाँ पे y लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। इसी का एक और नोटेशन देख लो, इसी को तुम लोग कई जगह ऐसा भी देख सकते हो, df बराबर fx dx प्लस fy dy, ठीक ना, तो आमतौर पे यही वाली चीज तुमको दिखाई देगी, ठीक ना, कि ये वाली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल डिफरेंशियल, दिस इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द टोटल डिफरेंशियल, ठीक ना। तो इसको 2 प्राइम कर लो, क्योंकि 2 और 2 प्राइम में कोई चेंज नहीं है, ठीक ना, बताओ टोटल डिफरेंशियल समझ में आया, चलो तो बस नीचे लिख लीजिएगा कि इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट्स द टोटल डिफरेंशियल, ठीक ना, किसका टोटल डिफरेंशियल, एफ का टोटल डिफरेंशियल, किसका टोटल डिफरेंशियल, एक्स का टोटल डिफरेंशियल। और ये इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द टोटल चेंज, इट टेल्स अस अबाउट द टोटल चेंज ऑकरिंग इन एफ व्हेन एक्स एंड वाई चेंजेस साइमल्टेनियसली, व्हेन एक्स एंड वाई चेंजेस साइमल्टेनियसली। बताइए सभी को समझ में आया, तो ये याद रखना थर्ड ईयर में बहुत काम आने वाला है ये इक्वेशन, ठीक ना, लैग्रांजियन का डेरिवेशन हमारे यहाँ अल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है और उसमें आप इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो ये याद रखिएगा, ठीक ना, शायद लेजेंडरे में भी काम इसका आएगा तुम लोगों को, लेजेंडर पॉलिनोमियल में शायद, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, ठीक ना, लेकिन लैग्रांजियन में तो आएगा ही आएगा, तो याद रखना। चलो एक इस पे क्वेश्चन भी कर लो, एक क्वेश्चन कर लो टोटल डिफरेंशियल पे बेस्ड, तो करो नोट करो, हम रुके कहाँ हैं यार, हाँ भाई जुड़ा हुआ है तो बिन बतिया रहा है तुमसे, अरे बोला तो है ना, रिस्पांस तो दिया है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं उसके पहले, मान लो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स रहेंगे तब क्या करोगे, कोई बताएगा, अगर मान लो तुम्हारा f इज नॉट ओनली फंक्शन ऑफ x एंड y बट ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ z, तब कैसे करोगे, कोई बताएगा, तब कैसे लिखोगे, अरे बोलो, तब बहुत बढ़िया, तब यहां पे बस एक चीज क्या ऐड हो जाएगी, एफ जेड इंटू डी जेड, अच्छा वहां पर रिप्रेजेंटेशन टर्म अगर वाई डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना हो, ऐसे करली करली के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, चलो एक यहां तक हो गया तो बताओ आगे बता देते हैं, हम लिखवा देते हैं, वहां पे क्या करना पड़ेगा ना, तुम लोग को रिप्रेजेंटेशन टर्म्स में दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे वाई के साथ जेड लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स के साथ जेड लगाना पड़ेगा, और जब जेड के लिए लिखोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, एक्स और वाई लगाना पड़ेगा, ठीक ना, चलो तो समझ गए ना तुम लोग कि अगर तीन वेरिएबल्स हो जाए, चलो तीन वेरिएबल्स वाला मैं बता दे रहा हूँ, तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे तो तुम लोगों का क्या बदल जाएगा, कुछ बदलेगा नहीं, एक एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड हो जाएंगे, ठीक ना, वेल जब तुम लोग चेन रूल और सक्सेसिव डिफरेंट, इसके बाद चेन रूल आता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, इसमें अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स जेड, यहां पे क्या हो जाएगा वाई जेड, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वाई डी जेड, ठीक ना। ये तीन वेरिएबल फंक्शन के लिए, और यहां पे इसी को और दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक ना। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है तुम लोगों का कि फाइंड द टोटल डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द, ऊपर का मिटा दें, बताना ऊपर का तो हो ही गया होगा। चलो एक इक्वेशन है तुम लोगों का, इक्वेशन है एफ बराबर अल्फा साइन बीटा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा, इसका पार्ट टोटल डिफरेंशियल निकाल करके बताना है आप लोगों को, डीएफ की वैल्यू बतानी है, बताओ जल्दी। है बहुत आसान, करना कुछ नहीं है, ठीक ना। आपके पास दो वेरिएबल फंक्शन है, एक अल्फा पे डिपेंडेंसी और एक बीटा पे डिपेंडेंसी है, और अल्फा और बीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक ना। चलो इधर देखो, बताते हैं हम तुम लोगों को फाइनल क्या निकालना है। तुमसे सीधे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रखा है ना, तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो याद रहना चाहिए कि क्या होता है भैया। अगर यहाँ पे अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू डी अल्फा प्लस कर्ली एफ ओवर कर्ली बीटा इंटू डी बीटा, अरे बोलो, कीपिंग अल्फा कॉन्स्टेंट कीपिंग बीटा कॉन्स्टेंट, तो तुमको इससे और इससे तो कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो तुम करोगे क्या, तुमको बस कर्ली, अरे सॉरी, कर्ली एफ ओवर कर्ली अल्फा और कर्ली एफ ओवर कर्ली बीटा निकालना है, और क्या वो बहुत आसान काम है, यहाँ पे बताना पार्शियल डिफरेंशिएशन तो करने हैं यार, तो डीएफ की वैल्यू बता दो, क्या क्या निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। पहले कर्ली एफ ओवर कर्ली अल्फा निकाल लीजिए, और फिर क्या निकाल लीजिए, कर्ली एफ ओवर कर्ली बीटा निकाल लीजिए। अच्छा कर्ली एफ ओवर कर्ली अल्फा की वैल्यू तो बता दो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा तो। कर्ली एफ ओवर कर्ली अल्फा की वैल्यू बताइए, बोलो। साइन बीटा, बहुत बढ़िया। हाँ अगवा बोल, अरे गधा लोग, फिर से वही काम करोगे, ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे। ये तो भैया बी साइन के साथ बी लगा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बहुत बढ़िया। तो अल्फा का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, और साइन बीटा विल रिमेन एज सच, क्योंकि कांस्टेंट मान लियो, और यहाँ पे बीटा फिर से कांस्टेंट ही रहेगा। साइन अल्फा की डिफरेंशिएशन कितनी, कॉस अल्फा, अरे बोलो। और यहाँ पे कर्ली एफ ओवर कर्ली बीटा का बता दो जरा, कर्ली एफ ओवर कर्ली बीटा का उसका कितना हो जाएगा बताना, बहुत बढ़िया। अल्फा कॉस बीटा आगे माइनस साइन अल्फा, अरे कहाँ साइन अल्फा कॉस बीटा कैसे भाई, बस साइन अल्फा, ठीक ना। तो उसके बाद करोगे क्या, दोनों वैल्यूज को क्या करो, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो इक्वेशन आएगी वही वाली इक्वेशन क्या कहलाएगी, दैट इक्वेशन विल बी द टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, आप हेडिंग जमाइए एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और इस इक्वेशन को ना हमेशा याद रखना, ठीक ना। वेल यहाँ पे अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है, पुरान का जो लिख के थे वो वाला याद रखना, ठीक ना। चलो अब ध्यान से देखो, इसी इक्वेशन को हम लोग, वेल अगर एक्स और वाई के टर्म्स में समझाने में आसानी रहती है तो इसीलिए वो लेकर के चला जाता है। तो जो तुम्हारा वहां पे इक्वेशन नंबर टू है, हेडिंग जमाइए, ठीक ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हो गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पे जो अभी तुमको इक्वेशन मिली थी ये वाली, डी एफ बराबर कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई इंटू डी वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट कीपिंग वाई कांस्टेंट, इसी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, या फिर बताओगे कि हाँ भैया एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा ये कब, तो दो कंडीशंस है, जैसे मैथ्स में पढ़े होगे ना नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन, तो ऐसे यहाँ पे भी दो कंडीशंस हैं, कब, जब, ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन जब
ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स लिखे हुए हैं ना, ये जो ब्रैकेट में टर्म्स लिखे हुए हैं ये क्या हूं? पहली बात तो देखो, एग्जैक्ट जब पढ़ोगे तो इनको कुछ ऐसा सा रिप्रेजेंट किया जाता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है, ठीक ना। तो लेकिन एग्जैक्ट वाले में ही ये फॉर्म लिखेगा, ठीक ना, पिछले वाले में मत लिख देना। देखो अब हम लोग इसी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो ब्रैकेट में जो चीजें हैं, यानी कि एम और एन, या फिर ऐसे बोलो, और ये जो है, जो तुम्हारा कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स जो है, और ये जो कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई जो है, ये क्या हो, ये फिर से किसके फंक्शन हो जाए, एक्स कॉमा वाई के फंक्शन हो जाए। किसके किसके फंक्शन हो जाए, फिर से एक्स कॉमा वाई के फंक्शन हो जाए, पहली कंडीशन तो ये। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से एक्स कॉमा वाई के फंक्शन हो जाए। कि जैसे मान लो कि तुम्हारा f का कुछ ऐसा सा वैल्यू था, कि f तुम्हारा दो वेरिएबल फंक्शन था, ठीक ना, कुछ ऐसा था एक्स स्क्वायर वाई प्लस ऑफ वन कर दो, ठीक ना, किस क्या कर दो, प्लस ऑफ वन कर दो, या फिर ऐसे मत करो, रुक जाओ, ऐसा कर दो कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस वाई क्यूब प्लस ऑफ कुछ भी, या फिर इतने पे छोड़ दे, ठीक ना। ये तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन था, तो ये जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि ये कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स और कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई, वो फिर से किसके फंक्शन हो जाए, एक्स और वाई के फंक्शन होने चाहिए, ठीक ना। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे निकालता हूँ कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स, अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो एक बात बताओ, क्या वाई टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब फाइनली फुल्ली एलिमिनेटेड रहेगा ये? क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस ऑफ 2, और y वाली चीज कहां चली गई भैया, जीरो। तो ध्यान से देखो, कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स बस x का फंक्शन रह गया है यहाँ पे, किसका फंक्शन रह गया है, बस x का फंक्शन रह गया है। तो पहली कंडीशन तो हम लोग ये चेक करते हैं कि जो मेरा गिवेन इक्वेशन है, ठीक ना, और जैसे कि मान लो, जैसे तुम लोग पढ़े होगे पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि पी किसका किसका फंक्शन है भैया, पी मेरा आर का फंक्शन, आर तो यार कांस्टेंट है ना, एन भी कांस्टेंट, मोल्स है, ठीक ना, तो इसको तो मेरा किसका किसका फंक्शन हो जाएगा, टी का और वी का फंक्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग को पहले चेक करना पड़ता है, ठीक ना, कि ये क्या डीपी ओवर डीटी निकालेंगे, और सॉरी, कर्ली पी ओवर कर्ली टी निकालेंगे और कर्ली पी ओवर कर्ली वी निकालेंगे, तो क्या ये चीज वापस टी और वी का फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, पहली कंडीशन तो ये है। तो ये बात समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या बता रहा हूं, कि ये एम और एन, या फिर कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स और कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई, फिर से किसके फंक्शन होने चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिर से, ठीक ना, किसके फंक्शन होने चाहिए, एक्स कॉमा वाई के होने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो ध्यान से देखो, कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स किसका फंक्शन रह गया, खाली एक्स का फंक्शन रह गया है, किसका फंक्शन रह गया, बस एक्स का फंक्शन रह गया है। ऐसे ही जब कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई निकालोगे, क्या निकालोगे, कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई निकालोगे, तो वो किसका फंक्शन रह जाएगा, ये दोनों लोग खत्म, वो बस वाई का फंक्शन रह जाएगा, अरे बोलो, माइनस साइन के साथ, ठीक ना। तो ये ऐसे इक्वेशंस अगर कहीं पे हैं जिनका कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स और कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई, या फिर जो भी वेरिएबल्स रहे, जैसे अल्फा बीटा लेकर के चले रहते, तो कर्ली एफ ओवर कर्ली अल्फा, कर्ली एफ ओवर कर्ली बीटा, फिर से किसके फंक्शन रहने चाहिए थे, अल्फा और बीटा के फंक्शन होने चाहिए। अरे बताओ, ये तो हो गई भैया पहली कंडीशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल चेक करने के लिए। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ तब हो जाएगा, नहीं तब तुम्हारा सिंगल वेरिएबल हो जाएगा ना, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि वाई क्यूब की जगह पे क्या रहे, एक्स रहे, वाई क्यूब की जगह पे क्या रहे, वाई क्यू एक्स रहे, वाई क्यू कहाँ है भाई, वाई क्यूब, अच्छा चलो वाई क्यूब एक्स रहे, हाँ ठीक। तो ध्यान से देखो, तब तो तुम्हारा सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया ना भाई, मेरा दो से अधिक वेरिएबल्स कहाँ रह गए, तो पार्शियल की चर्चा ही नहीं करेंगे, पार्शियल चर्चा नहीं करेंगे, टोटल खत्म, टोटल खत्म, एग्जैक्ट खत्म, ठीक ना। अरे ध्यान से देखो, शुरुआत पार्शियल शुरू ही कब किए थे, जब दो या दो से अधिक फंक्शंस हो तो उसके लिए पढ़े थे। और याद करो मैंने क्या बताया था, कि अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तुम्हारे पास क्या है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन, तो पार्शियल निकालिए उसका, या फिर उसका क्या निकालिए, ऑर्डिनरी निकालिए, बात बराबर होती है, ठीक ना, कोई चेंजेस तुम लोग को नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो अरे ये वाली बात मैंने पढ़ाई थी ना, बताएं ये वाली बात,
चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाला बात याद रखना, तो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, कि करली एफ ओवर करली एक्स और करली एफ ओवर करली वाई फिर से किसके फंक्शन होने चाहिए, एक्स और वाई के फंक्शन होने चाहिए। ये तो हो गई पहली कंडीशन, ये क्या हो गया तुम्हारा पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा और इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होता है तुम लोगों का वो होता है, तो एक बात याद रखना, यानी कि क्या मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के लिए ये बता सक, मतलब अब ऐसे अगर लिखना चाहूं तो हमको लिखना पड़ेगा कि एम शुड बी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एन शुड ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अरे बोलो, अगर ऐसा नहीं है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा। तो इसीलिए इस वाले इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इस वाले इक्वेशन अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इस वाले इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्या भैया ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये तो एक कंडीशन है ना, एक नेसेसरी कंडीशन है। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनो। वहां पे तुम लोगों को जो तुम्हारा ये गिवन फंक्शन है, ठीक ना, उस गिवन फंक्शन में तुम लोगों को एक चीज चेक करनी पड़ती है कि कर्ली एम ओवर कर्ली वाई मस्ट बी इक्वल टू कर्ली एन ओवर कर्ली एक्स। क्या चेक करना पड़ेगा तुम लोगों को, कर्ली एम ओवर कर्ली वाई मस्ट बी इक्वल टू कर्ली एन ओवर कर्ली एक्स। पहली कंडीशन ईमानदारी से बताना, समझ में आया कि नहीं, तो ये वाली कंडीशन समझाऊं। ये वाली कंडीशन सभी को समझ में आया? अरे सेकेंड ईयर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है यार, तुम ही लोगों के लिए बता रहे हैं विकास, तुम ही पूछे थे। आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, ये मिटाते हैं, ठीक ना, पहली कंडीशन याद रखिएगा, दूसरी कंडीशन ध्यान से सुनिए, दूसरी कंडीशन और मजेदार है। और आमतौर पे पहली को इग्नोर कर दिया जाता है, सीधे दूसरा वाला ही चेक किया जाता है, ठीक ना, लेकिन याद दोनों रखना। दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो याद रखिएगा, पहली कंडीशन क्या बोले थे हम कि एम शुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एन शुड ऑल्सो बी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक ना। तो इसीलिए इस वाले इक्वेशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या था यहाँ पे, डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये वाली जो इक्वेशन, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन, एक नेसेसरी कंडीशन रह जाती है। नेसेसरी क्या है वो ध्यान से सुनिए, नेसेसरी कंडीशन ये कहता है कि कर्ली एम ओवर कर्ली वाई शुड बी इक्वल टू कर्ली एन ओवर कर्ली एक्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, और आमतौर पर तुम लोग हर बारी यही चेक करना, ठीक ना, इसको भूल जाना, ठीक ना। अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, समझ जाओ। कुछ कुछ किताबों में इसी को देखो एक अच्छे तरीके से लिख रखा है, अगर इसका पिछला वाला फॉर्म याद हो तुम लोगों को, ठीक ना, इसको ऐसे करके लिखते हैं, अगर इसका पिछला वाला फॉर्म याद हो तो कैसे लिखे थे इसको, df बराबर कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट इंटू डी एक्स प्लस कर्ली एफ ओवर कर्ली वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई। तो इसी इक्वेशन को कई किताबों में और आमतौर पर नोट्स में तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं एम की जगह पे वापस क्या पुट कर सकता हूँ, कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स पुट कर सकता हूँ ना। तो ध्यान से देखो, तो यही इक्वेशन किसमें रिड्यूस हो जाएगी, कर्ली ओवर कर्ली वाई, एम की जगह पे जब मैं कर्ली एफ ओवर कर्ली एक्स लिखूंगा तो ध्यान से देखो, कर्ली टू ओवर कर्ली वाई कर्ली एक्स ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू कर्ली टू ओवर कर्ली एक्स कर्ली वाई ऑफ एफ। अरे बताना, अरे बोलो। तो तुमको ये वाली कंडीशन या तो ऐसे चेक कर ले, सीधे अपने फंक्शन से निकाल के चेक कर ले, या फिर पहले एम ऑन एंड अलग अलग कर लो और ये वाली कंडीशन चेक कर लो। अगर ऐसा होता है तो आपका गिवन फंक्शन जो था एफ क्या हो जाएगा, वो एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल है, तुमको आंसर मिलेंगे, ठीक ना। तो ये जो इक्वेशन बना तुम्हारा, ये इक्वेशन क्या है, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट विल बी अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक ना। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होगा, ठीक ना। बताओ मेरी बात समझ में आई है, पक्का? दोनों नहीं, दोनों नहीं, आमतौर पे एक ही चेक किया जाता है, ठीक ना। हाई वाला चेक कर दोगे तो अपने, अरे ये वाला तभी होगा जब ये वाला सेटिस्फाई हुआ रहेगा। अरे बोलो, अगर ऐसा हुआ ही नहीं रहेगा तो, जैसे मान ले तुमने डिफरेंशिएट करा था, ठीक ना, और एक्स और वाई का फंक्शन नहीं बचा था, बस एक्स का फंक्शन रह गया था, किसका फंक्शन रह गया था, बस एक्स का फंक्शन रह गया था, तो वाई के रिस्क तो ये जीरो हो जाएगा, खत्म खेला, और इधर की भी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा हम लोग लेकर के नहीं चलते हैं, ठीक ना, एक्स और वाई का फंक्शन होना जरूरी है। बोलो मेरी बात समझ में आई, अरे बोलो। चलो बहुत बढ़िया, दो तीन न्यूमेरिकल करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स में हम लोग को थर्मोडायनेमिक मिटा दूं कि लिखना था, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना।
यूट्यूबों पे देख लिया करो बे, पीछे पन्ना पलट लिया करो उसी पे। आप ध्यान से देख, एक क्वेश्चन है तुम लोग। हाँ बोलो। कल कुछ नहीं पढ़ाए थे जी, कल का इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, आज सुबह बैठ के लूसी पर देख रहे थे हम, तो इसलिए क्लास भी नहीं लिए थे। ठीक ना? नहीं, हम वो कर रहे थे, कनेक्ट करा रहे थे, चल ही नहीं रहा था। ठीक ना? भेजे भी, मतलब सबके पास नोटिफिकेशन गया था, 5-6 लोग ज्वाइन किए थे, लोग 40 जन हो एक ग्रुप में, तो कोई ज्वाइन भी नहीं करा। और तो मेरा इंटरनेट खुद ही स्लो चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, बार बार लिख रहा था पता नहीं क्या, अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। ठीक ना? अच्छा चल, भटका मत, इधर देख, क्वेश्चन है तुम लोग का। क्वेश्चन कह रहा है तुम लोगों का, चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद। क्वेश्चन है तुम लोगों का कि दिया हुआ है df बराबर 5x² + 3y dx + 3x - 5y² dy। अब आपको बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो मैं एक करके बता रहा हूं, ठीक ना? टफ वाला तुम लोग करना, आसान वाला हम बता दे रहे हैं। इधर देखो, सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। एक प्रॉपर तरीका बता रहे हैं, इसे करने और जरूरत नहीं है। ये सीधे ध्यान से देख, इसको मैं क्या, मैं सीधे MdX और NdY से अगर मैं तुलना करूं तो ये क्या हो गया M और ये क्या हो गया N। अरे बोलो, यही था ना? और मैंने क्या बोला था, ध्यान से देखो, क्या M भी X और Y का फंक्शन है और N भी X और Y का फंक्शन है? क्वेश्चंस में इसीलिए हम लोग को सीधे यही वाली चीज चेक करनी रहती है। ठीक ना? कि करली M ओवर करली Y इज इक्वल टू करली N ओवर करली X और नॉट। तो ध्यान से देखो क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, सीधे यहां पे करली M ओवर करली Y निकाल। करली M ओवर करली Y कितना हो जाएगा बताना जरा? करली M ओवर करली Y निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये खत्म। और y अकेला है तो ये भी 3। और जरा करली n ओवर करली x निकालो, करली n ओवर करली x निकालो, 3 हो गया। अरे तो क्या ये दूसरी और नेसेसरी कंडीशन को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अरे बोलिए, तो ऐसे ही चेक किया जाता है। ठीक ना? यहाँ भैया एग्जैक्ट है कि नहीं है? अरे बोलो, बात समझ में आई सभी को? चलो एक और एक्सप्रेशन है, ठीक ना, वो भी कर लीजिए, छोटे छोटे एक्सप्रेशन है, मिटा देना इसको। समझ गए ना कैसे चेक किया जाता है? एम और एन खोज लीजिए, ठीक ना, अपने फंक्शन को खोज लीजिए और सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी। ठीक, अब ध्यान से देख, एक क्वेश्चन है तुम लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है कि df बराबर है तुम लोगों का x dy + 3y dx। इसको जरा चेक करो, ये एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा? हमको नहीं दिख रहा है नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ध्यान से देख, ये क्या है, m अकेला क्या है, अकेला फंक्शन है ना, ध्यान से देखो, और n भी अकेला फंक्शन है, तो निकालने की जरूरत है क्या? अरे बोलो, नहीं है जरूरत। वैसे इसे चेक भी कर लो, ठीक ना, करली m ओवर करली y निकालो जरा, कितना हो जाएगा? 0। x अबे तो 0 ही तो होगा, 0 ही होगा ना, 0 होगा। और करली n ओवर करली x निकालो जरा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे हाँ यार, गड़बड़ तो कर ही रहे हैं, वैसे होगा अभी भी नहीं है, ध्यान से देखो क्या गड़बड़ कर रहा है, ध्यान से देखो, तुलना तुलना वाला खेल नहीं खेले ना, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखो, अगर ऐसे तुलना करो तो ये है ना NdY + MdX, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो कैसे हो जाएगा? df बराबर, अच्छा df बराबर क्या, m निकाल ले, m निकाल ले, तो m का कितना हो जाएगा? करली m ओवर करली y निकालो जरा, 3 हो जाएगा क्या? अरे बोलो, हाँ। और करली n ओवर करली एक्स निकाल दो जरा, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अरे ऊपर ऊपर देख के वैसे भी पता चल गया था, ठीक ना, इसीलिए हम लोग इसका ध्यान नहीं दिए। तो ध्यान से देख, क्या 3 बराबर होते हैं क्या 1 के? अगर ये बराबर नहीं होता है तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? कभी बराबर नहीं होंगे।
तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इनएग्जैक्ट। इसलिए मैंने दोनों कंडीशन बता दी। आमतौर पे आदमी बार बार निकाल करके चेक करने लगता है, चेक करने से पहले पहले ही चेक कर लो ऊपर ऊपर की एक्स और वाई का फंक्शन दोनों है कि नहीं है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है तुम लोगों का। वेल ये वाला तो हो जाएगा, सब ऐसा ही आसान आसान क्वेश्चन हैं, ठीक ना। अब मैथमेटिक्स में पढ़े रहते हैं ना तो और अच्छे तरीके से तुम लोग पढ़े रहते हो, अब वो गणित वाले लोगों का काम है। इधर देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, वाई स्क्वायर प्लस ऑफ वाई प्लस ऑफ टू एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस टू एक्स वाई इंटू डी वाई। बताइए जरा तुम लोग करके बताओ होगा कि नहीं होगा। पहली चीज तो यही देख ली कि हाँ भैया m और n दोनों किसके फंक्शन है, x और y के तो फंक्शन दिख रहे हैं। अब हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा कि करली m ओवर करली y और करली m ओवर करली x, करली n ओवर करली x, ये दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है, बताओ। आएगा वैसे आएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन और कर लेना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि df बराबर है तुम लोगों का e टू दी पावर y dx प्लस x e टू दी पावर y प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू वाई डी वाई। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करो जरा। अब ऐसे वाले में देखने में लग रहा है ना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी तुम लोगों को पता, इस एक्सपोनेंशियल वाले में पता नहीं कर पाओ कि ये दोनों आए फंक्शन की नहीं है, तो यहाँ पे चेक कर लो तुम लोग, ठीक ना। करली एम ओवर करली एन, करली एम ओवर करली वाई और करली एन ओवर करली एक्स निकाल करके चेक कर लो, देखो ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा, ठीक ना, आएगा। क्यों आएगा, ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल सेम रह जाता है, अरे बताना, और यहाँ पे x का डिफरें, x के रिस्पेक्ट में n को डिफरेंशिएट करना है ना। ध्यान से देखिए, ये n वाला हिस्सा है और ये m वाला हिस्सा है, तो अगर करली n ओवर करली एक तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये भी कैसा रह जाएगा, एस सच पड़ा रह जाएगा, होगा ये। हाँ हो जाएगा, अगर चेन रूल भी लगाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि e के ऊपर y है, ठीक ना, तो 0 हो जाएगा वो वाला, तो होगा। तो इस वाले में देखिए कर ली, तो ये वाला ऊपर से तो नहीं अंदाजा लगा पाए थे, यहां से नहीं अंदाजा लगा पाए थे, तो चेक करके पता चल गया। तो करली एम ओवर करली वाई और करली एन ओवर करली एक्स, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इसलिए ये इक्वेशन भी किसको होल्ड कर रहा है, ये वाला कहाँ गया जी, एक तो ये था और दूसरा ये है, ये दूसरा ये था, तो ये किसको होल्ड कर रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल को। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, कि थर्मोडायनेमिक्स में कैसे होगा। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़े थे और कहाँ पे ये बात शुरू हुई थी, जब हम लोग थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे, और मैंने क्या बताया था कि जितनी भी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, याद है किसी को कि भूल गया है, अरे बताओ। हमने क्या पढ़ा था कि जितनी भी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, वो सभी की सभी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती हैं या फिर पॉइंट फंक्शन होती हैं या स्टेट फंक्शन होती हैं। और स्टेट फंक्शन को हमने कैसा सा समझा था कि वो इक्वेशन या फिर वो फंक्शन जो कि क्या हो, या फिर वो वेरिएबल जो कि क्या हो, जिनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालना संभव हो, उसको क्या बोलेंगे, बोलो, स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन, या फिर वो सभी फंक्शन जिनका हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकालने, उनको क्या बोलते हैं, हम लोग स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, वो सभी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेट फंक्शन होती है। ये था हमारा पॉइंट, ठीक ना। तो अब ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज में क्या था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, ढेर सारी चीजें थी, ठीक ना, एंट्रोपी था, एंथैल्पी था, एनर्जी था, ढेर सारी चीजें थी। तो क्या वो सभी की सभी हीट को, अभी बताते हैं, अभी देखना, अभी उनका एग्जैक्ट डिफरेंस, हीट पे हीट पार्ट डिपेंडेंट होता है ना भाई, कि हीट में जैसे कि जब पढ़ोगे ना तो वहां पे तुम लोग पढ़ोगे पार्ट पार्ट में बटा रहता है, जैसे कि किसको, इसको कैसा सा समझोगे, ऐसे मान लो कोई चीज अगर गर्म कर रहे हो ना तुम, तो सडनली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं गर्मी होती, धीरे 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 एक पाथ के पकड़ करके गर्म होता है, ठीक ना। जैसे वन डायमेंशनल हीट आमतौर पर ना वन डायमेंशनल फ्लो को चूज करता है,
ठीक ना, तो वहां पे पाथ की डिपेंडेंसी दिखाई पड़ती है। अच्छा ऐसे नहीं समझ आता है आदमी को, तो इसलिए मैथमेटिकली समझ सकते हो ठीक ना, कि वो चीजें जो कि क्या होंगी, जिनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं निकाल पाओगे, वो पाथ फंक्शन है, और वो सभी चीजें जिनका हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, मतलब वो सभी फंक्शन जिनका हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल निकाल सकते हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, वो स्टेट फंक्शन या फिर पॉइंट फंक्शन हो जाएंगे। मतलब जिनकी डिपेंडेंसी किस कहाँ पे हो, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन पे हो ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे कि भैया वो स्टेट फंक्शन है। मतलब इनिशियल स्टेट इनका कुछ ऐसा सा था और सीधे फाइनल स्टेट की तुमने चर्चा की, अब इस स्टेज से उस स्टेज में जाने पे या फिर इस स्टेट से उस स्टेट पे जाने पे या फिर एक पॉइंट से अंतिम पॉइंट पे जाने पे उसने कैसा पाथ चूज करा, आपको अगर इस पे से कुछ लेना देना नहीं है ठीक ना, तो उन ऐसे फंक्शंस को या फिर ऐसे वेरिएबल्स को या फिर ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलना सही नहीं क्योंकि सभी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्टेट फंक्शन। तो वैसे जितनी भी चीजें होंगी ना उन सभी को हम लोग स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। हाँ बोलो, पाथ पे नहीं पॉइंट पे, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है। अरे पाथ डिपेंडेंट होता है भाई, हीट क्या बोल रहे हो तुम, हीट जो होता है जैसे ध्यान से देख, दो चीजें होती हैं, स्टेट फंक्शन या फिर इसी को पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं, इसीलिए तो दो नाम दिए गए। या तो ऐसा बोलो कि यहां का स्टेट और यहां का स्टेट, तुमने बस स्टेट पे ध्यान दिया, या फिर तुमने सीधे पॉइंट ए और पॉइंट बी की चर्चा की। तो ये सभी के सभी ऐसे जितनी चीजें मिलेंगी तुमको, जैसे कि मान लो टेम्परेचर की चर्चा कर रहे हो ठीक ना, या फिर मान लो तुमने पानी उबालना शुरू किया ठीक, पानी उबालना शुरू किए 60 डिग्री सेल्सियस पे था, 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, तुम टेम्परेचर मेजरमेंट ले रहे थे, क्या ले रहे थे, टेम्परेचर मेजरमेंट ले रहे थे, तो अब तुमने ये कभी सोचा क्या तुम्हारा टारगेट क्या था कि 60 डिग्री सेल्सियस पे है 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, तुमने ये नहीं ना सोचा कि 60 से 100 कैसे गया, तुम तो बस थर्मामीटर लगाए, बोले कि हाँ भैया इस समय 60 डिग्री सेल्सियस था, फाइनली कितने पे है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये 60 से 100 जाने में तुमने उसको क्या किया है, कैसे हीट दिए हो, क्या पाथ चूज करा होगा, मतलब तुमने उसको हीटर से गर्म किया है कि माचिस से गर्म किया है कि मोमबत्ती से गर्म किए हो, कैसे किया क्या है उस पे नहीं डिपेंडेंसी है ठीक ना। बस मेरा मेन फोकस किस पे है कि पहले ऐसा था और फाइनल ऐसा था, मतलब बस पॉइंट पॉइंट से हमको लेना देना है। तो ऐसे जितने भी होते हैं ना उन सभी, जैसे इसीलिए टाइम टेम्परेचर किस में आ जाएगा तुम लोगों का, टेम्परेचर उसमें आ जाएगा, स्टेट फंक्शन में आ जाएगा ठीक ना सभी का। इसीलिए मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल पहले पढ़ाया, अब सभी का तुम लोग निकाल सकते हो, काम नहीं है, पूछा उछा नहीं जाएगा कहीं पर ठीक ना, मतलब बीएससी में नहीं पूछा जाएगा, हमारे यहाँ नहीं पूछा जाता है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं है ठीक ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ जी आ रहा है आवाज, आइलर्स थ्योरम वो हमको मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाना है यार, मतलब फिजिक्स में यहाँ पे नहीं है ठीक ना। आइलर लागरांज किसको फॉलो करते हैं, पता नहीं है, हमको देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ठीक ना, मैंने सुना नहीं है। हाँ 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 हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ठीक ना। चलो हाँ तो देख लो भैया, थर्मोडायनेमिक्स में कैसे चेक करोगे, किसको ले लो। अच्छा इसको पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट आना जरूरी है ठीक ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब जहाँ पे फंक्शन जो हो वो किसका किसका, जो तुम्हारा वेरिएबल हो या फिर जो भी चीज़ है वो किसका फंक्शन हो, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन हो ठीक ना। इसीलिए पी वी बराबर एन आर टी को इक्वेशन ऑफ स्टेट बोला जाता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट किसका, आइडियल गैस का ठीक ना। ये पी वी बराबर एन आर टी आमतौर पर आदमी बोल देता है कि यही है इक्वेशन ऑफ स्टेट, नहीं, जब तुम लोग सेकेंड ईयर में आओगे, और सेकेंड ईयर वालों को मैंने पढ़ा रखा है ढेर सारा इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ाए इन लोगों को हम, कैमरलिंग ओन्स इक्वेशन था, फिर एक तो ये पी वी बराबर एन आर टी था, फिर वॉन्डरवॉल इक्वेशन था, जैसे वॉन्डरवॉल इक्वेशन रियल गैसेस के लिए होता है ठीक ना, तो वो भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है ठीक ना। वहाँ पे हम लोग करेक्शन करना पड़ता है ए और बी लगा करके, अगर याद हो तुम लोग को सेकेंड ईयर में पढ़ाए हैं ना जी, तुम लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट में ही पढ़ाए हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में का चैप्टर ही है पूरा हमारे यहाँ एक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अरे बोलो याद है सेकेंड ईयर वालों को कि भुला गया है, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ढेर सारे इक्वेशंस ऑफ स्टेट होते हैं, बस ये आमतौर पे आदमी एक ऐसे दिमाग में बना लिया है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब पी वी बराबर एन आर टी, ऐसा नहीं है ठीक ना। पी वी बराबर एन आर टी इक्वेशन ऑफ स्टेट है, लेकिन किसका है,
आइडियल गैसेस के लिए है बस, ठीक ना। फिर हाँ बोलो। M और N नहीं इक्वल होने चाहिए, करली हो सकता है उसका एक और नाम हो, हमको नहीं पता है, ठीक ना। करली M ओवर करली Y बराबर करली N ओवर करली X, ये ही बराबर होना चाहिए, ठीक ना। और ये मतलब पार्शियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल की यही एग्जैक्ट कंडीशन है, मतलब यही नेसेसरी कंडीशन है, ठीक ना। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मतलब तुम लोग नहीं निकाल सकते हो, ठीक ना। तो अब ध्यान से देख, एक बता देते हैं कितना समय हो गया यार, 1 घंटा हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। किसको करना चाहोगे तुम लोग? अगर मान लो तुमको पी का ही दिखाना है कि बताइए पी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, तो क्या करोगे? सबसे पहला तो आपको पता रहना चाहिए कि तुम्हारा जो गिवन इक्वेशन है वो किसका फंक्शन है। तो ध्यान से देखो, पी भी बराबर एनआरटी होता है, ये सभी को पता है, इसीलिए मैंने बोला इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़े रहते तो और अच्छे से क्लियर हो जाता। तो ये और ये तो भैया कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे, तो मेरा पी किसका किसका फंक्शन हो जाएगा? टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। अरे बताना किसका किसका फंक्शन हो जाएगा? टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। चलो बहुत बढ़िया, जब टेम्परेचर का और वॉल्यूम का फंक्शन है तो इसके लिए अगर मैं टोटल डिफरेंशियल लिखूं, इसीलिए मैंने सबसे पहले टोटल बताया, ठीक ना। सबसे पहले अगर मान लो, हमको तो हमेशा यही मिलेगा ना यार, तो अब अगर हमको क्या पता करना पड़े, अगर इसका हम टोटल डिफरेंशियल निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए? dp बराबर करली p ओवर करली v dv प्लस dp सॉरी करली p ओवर करली t dt। अरे बोलो, अरे ऐसे ही तो लिखोगे? और फिर क्या है? फिर ये हो जाएगा तुम लोगों का कितना? m, और ये कितना हो जाएगा तुम लोगों का? n। बोलो अब क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को? करली एम ओवर करली टी मस्ट बी इक्वल टू करली एन ओवर करली वी, ये चीज आपको आनी चाहिए, मतलब ये वाली चीज तुम लोगों को प्रूफ करनी पड़ेगी। यानी कि यहां पे जैसे वहां पे क्या प्रूफ करते थे, करली एम ओवर करली वाई वॉज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स, तो यहां पे क्या प्रूफ करोगे? करली एम ओवर करली टी मस्ट बी इक्वल टू करली एन ओवर करली वी। या फिर अब फिजिक्स में तुम लोग को ऐसी चीजें, एम एम नहीं मिलेगा तुम लोग को, पी पी के टर्म्स में मिलेगा। अब बोलो क्या, कौन डिफरेंशिएशन? अरे जो एक प्रोसेस में हो यार, ठीक ना, जो पाथ एक ही पाथ को बार 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 फॉलो करे, ठीक ना, जो खत्म ही ना हो। नहीं उसको, नहीं यार उसको नहीं बोल सकते हैं ना। हो सकता है, अरे वो तुम बहुत एडवांस लेवल का वो चीज पढ़ रहा है, हम लोग को उतने का काम नहीं है, ठीक ना। वो जो चीज तुम पढ़ रहे हो ना, वो नेट का किसी का वो है, नोट्स है, नेट की तैयारी करा है ना, उसका नोट्स है वो, ठीक ना। तो वो वहां पे तुमको हो सकता है मिले, हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है यार। उतना पढ़ाने लगे तो हम ही पढ़ाते ही रह जाएंगे, अब 1 घंटा में खाली टोटल एग्जैक्ट हुआ है, ठीक ना। और बोलो बोलो। अरे बस एक तो देख लो, ठीक ना, एक तो देख लो, उसके बाद चले जाना। अब ध्यान से देखो, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे ऐसे एम और एन के टर्म में प्रूफ करने की कोशिश करोगे तो उलझ जाओगे, तो तुम लोग हमेशा इसके टर्म्स में प्रूफ करने की कोशिश करना। करली टू ओवर करली पी मस्ट बी इक्वल टू करली टू ओवर करली वी करली टी ऑफ पी। अब ये चेक करके लाना कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये चीज निकालनी पड़ेगी, ठीक ना। तो अगर बराबर आता है तो वो तुम्हारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, अगर बराबर नहीं आता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिए, पी की एक वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, कितना आएगा पी का एक वैल्यू यहाँ से देखो, तुम एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वेरिएबल यहाँ फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, पी को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दो दो बार, तो देखिए कैसे डिफरेंशिएट करोगे। एम कैसे निकालोगे? एम के लिए तुमको क्या निकालना है? करली पी ओवर करली भी निकालना है,
अरे बोलो, तो पी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो पी का यहां से फॉर्मूला तुमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा ध्यान से देखो, एन आर टी बाई वी। अरे बोलो, अब तो डिफरेंशिएट कर लोगे ना, बताना। अच्छा, एन की जगह पे वन मान लें अगर, तो और आसान हो जाएगा। बोलो, तो तुम्हारे पास आर टी बाई वी, आर टी बाई वी, तो पी की वैल्यू मिल गई क्या? अब यहां पे कर्ली पी ओवर कर्ली वी निकालोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ जरा। कर्ली पी ओवर कर्ली वी निकालोगे तो कितना आएगा? कर्ली पी ओवर कर्ली वी माइनस ऑफ आर टी बाई वी स्क्वायर, आर टी अपॉन वी स्क्वायर नहीं, ये ऊपर जाएगा। तो कर्ली पी ओवर कर्ली वी निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ आर टी अपॉन वी स्क्वायर। और एन के लिए क्या निकालना है तुम लोगों को, एन के लिए निकालना है कर्ली पी ओवर कर्ली टी। तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो हमको तो लग रहा है बस आर बाई वी होना चाहिए। अरे बोलो, माइनस, अरे बाधा किसमें नहीं होगा, बस आर बाई वी। तो अब क्या करना है तुम लोगों को, m और n निकल गया ना, अब यहां पे तुमको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके किसके रिस्पेक्ट में, कर्ली m ओवर कर्ली t और कर्ली n ओवर कर्ली v के रिस्पेक्ट में। तो अब तुमको m की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई, और चलो मैं बता ही देता हूं, m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ आर टी बाई वी स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी आ गई, r बाई वी। अब यहां पे क्या निकालना है तुमको, कर्ली m ओवर कर्ली t होगा, हाँ, कर्ली m ओवर कर्ली t बराबर कर्ली n ओवर कर्ली v। अरे यही प्रूफ करना है ना तुम लोगों को, बताना। अरे बोलो, तो हमको तो दिख गया भाई, आ गया, बराबर आ भी रहा है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर m को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, माइनस ऑफ r बाई वी स्क्वायर। अरे बोलो, हाँ, और जरा इसको देखो, अब जरा इसको डिफरेंशिएट करो, तो t तो पहले से इलिमिनेटेड, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियली v के रिस्पेक्ट में करना है, r होता है कॉन्स्टेंट, तो 1 बाई वी का डिफरेंशिएशन, अगेन माइनस ऑफ 1 बाई वी स्क्वायर। तो देखो आ गया क्या, माइनस ऑफ आर बाई वी स्क्वायर। तो प्रेशर इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हेंस प्रेशर इज अ क्या हो जाएगा, पॉइंट फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन। चलो आया समझ में? अच्छा, कल आओ, कल की क्लास में हम लोग वर्क, टेम्परेचर, एनर्जी सबका सब